नमस्कार दोस्तों, बातें करते हैं कुछ नेपाल समाचार की। उससे पहले बात करेंगे कि अब तक कल सुबह से लेके और अभी तक कितने आदमियों की मृत्यु हो चुकी है। तो कल सुबह तक पूरी दुनिया में 134,607 आदमियों की मौत हो चुकी थी और आज सुबह तक है 145,521 आदमी, यानी 11,000 आदमियों की मृत्यु कल सुबह से लेके और अभी तक हुई है। अमेरिका में कल सुबह 28,529 आदमियों की मृत्यु हो चुकी थी कल सुबह तक, और आज अमेरिका में 34,617 आदमियों की मृत्यु हो चुकी है कल सुबह से लेके अभी तक, यानी 6,000 आदमियों की मौतें अमेरिका में अकेले हुई हैं। स्पेन में अब तक टोटल मौतें हो चुकी है 19,315, इटली में 22,170, फ्रांस में 17,920, जर्मनी में 4,052, यूके में 13,729, ईरान में 4,469, बेल्जियम में 4,857, भारत में 448, पाकिस्तान में 128, बांग्लादेश में 60, यानी सब मिला के अभी तक 145,521 आदमियों की मौतें हो चुकी है। नेपाल में 16 इन्फेक्शन है और भूटान में 5 इन्फेक्शन है। अब आगे, ओमनी ग्रुप जो चीन का था उसके साथ समझौता नेपाल सरकार ने रद्द कर दिया है, था कुछ दिन पहले। अब नेपाल सरकार ने 5 और अन्य कंपनियों के साथ में स्वास्थ्य सामग्री लाने का समझौता किया है। इनमें है लुम्बिनी हेल्थ केयर, ओम सर्जिकल, महाशक्ति सप्लायर्स पार्नियर प्राइवेट लिमिटेड, हमरो मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड। इन 5 कंपनियों के साथ में नेपाल सरकार ने अब मेडिकल सामान इन्हीं 5 कंपनियों से मंगाएगी। नेपाल हेल्थ असिस्टेंट संघ ने सरकार से मांग की है कि जिन डॉक्टरों के ऊपर पुलिस ने कुटपीट की थी उन पुलिसकर्मियों को सजा दी जाए। हालांकि पुलिसकर्मियों ने लिखित माफी मांग ली है। मंत्रिपरिषद की बैठक में कहा गया कि उस पुलिसकर्मी को 1 साल की सजा होगी, क्योंकि नेपाल जो हेल्थ असिस्टेंट संघ है उसने हड़ताल करने की धमकी दी थी। डेनमार्क की कार्य व्यक्तिगत संस्था ने 65,00,000 रुपए सुदूर पश्चिम में बांटे। नेपाल लगानी कोष ने अपने सभी ग्राहकों के लिए ब्याज में 10% छूट दी है और कहा है कोरोना इन्फेक्शन से यदि किसी की मृत्यु हो जाती है उसके ग्राहकों में से तो सबको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। नेपाल सरकार के 2 बड़े हवाई जहाज चाइना से मेडिकल सामान लेके काठमांडू पहुंच गए हैं। नेपाल सर्वोच्च अदालत ने एक बयान जारी किया है, उसमें कहा है कि यदि अब पुलिस किसी भी अपराधी को पकड़ेगी तो पहले उसका कोविड-19 टेस्ट होगा, उसके बाद ही उसे जेल में भेजा जाएगा। एक अन्य समाचारों में नेपाल सर्वोच्च अदालत ने सरकार को आदेश दे दिए हैं कि विदेश में जितने भी नेपाली लोग हैं उन सबको वापस लाया जाए। हालांकि नेपाल सरकार फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से ये बयान दिया गया था कि अप्रैल महीने तक सारे नेपाली जो विदेशों में हैं वो वहीं पर रहेंगे, लेकिन अब सर्वोच्च अदालत ने आदेश जारी कर दिया है कि नेपाल सरकार अपने नागरिकों को जल्दी से जल्दी अपने देश वापस लेकर आए। काठमांडू जनता के बीच में बैठे बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने नेपाल सरकार पे आरोप लगाया है कि सरकार की पुलिस इस समय यदि किसी आदमी को गाड़ी चलानी हो तो वो पास बनवाना पड़ रहा है और वो पास बनाने के लिए 15,000 रुपए गुपचुप तरीके से दिया जा रहा है। यानी नेपाल पुलिस इस समय पास बना रही है 15,000 रुपए लेकर। ये नेपाल पुलिस बना रही है ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। पुलिस के बीच में बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारी लोग 15,000 रुपए लेके गाड़ी चलाने का पास बना रहे हैं। एक छोटा सा वीडियो क्लिप सुना रहे हैं आपको। पूरी वीडियो क्लिप आपको सुननी होगी तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को ओपन कीजिए, उसमें आपको पूरा
वीडियो क्लिप सुनाई देगी और छोटी सी हम सुना रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पुलिस के बीच में बैठे एक दो आदमी ऐसे भी हैं या कुछ आदमी ऐसे भी हैं जो जनता से या लॉकडाउन का फायदा उठा रहे हैं, 15,000 रुपए लेके पास बना रहे हैं गाड़ी चलाने का, जबकि भारत में डायरेक्ट पास नहीं बन सकता है। भारत में मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से ऑनलाइन अप्लाई करनी पड़ेगी तो ही जाके पास बनेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने से क्या होगा कि आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, इसलिए नेपाल सरकार को भी ऑनलाइन अप्लाई वाला सिस्टम रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भ्रष्ट पुलिसकर्मी है वो पैसा नहीं खाएंगे। अब आपको बहुत ही सावधानी से रहना होगा क्योंकि COVID-19 का इन्फेक्शन दिन प्रतिदिन बहुत तेज होता जा रहा है। अगर जिंदा रहना है तो घरों से बाहर नहीं निकले। धन्यवाद।